एनएमसी बिल के विरोध में डॉक्टरों ने गांधी चौक से निकाली साइकिल यात्रा। आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने रविवार की शाम नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल एनएमसी का विरोध जताते हुए गांधी चौक से सुभाष चौक तक साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान डॉक्टरों ने सुभाष चौक के समीप बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया। विरोध जताते हुए आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी और सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर लोकसभा में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लागू करना चाहती है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इस बिल को लागू किए जाने से डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विरोध जताने वाले में मुख्य रूप से डॉक्टर के चंद्रा, डॉक्टर ए के बरेलिया, डॉक्टर के एन प्रसाद, डॉक्टर बीवी प्रसाद, डॉक्टर ममता रंजन, डॉक्टर सौम्या जैन, डॉक्टर ए के चौधरी, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर निधि बजाज, डॉक्टर राजेश सिन्हा, डॉक्टर भानुदास, डॉक्टर दिलीप कुमार सहित अन्य कई डॉक्टर शामिल थे। डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लागू करना चाहती है। इस बिल के अनुसार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक 6 महीने के एलोपैथी दवाओं का केवल प्रशिक्षण लेकर MBBS चिकित्सकों के समान दर्जा प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन के साथ ही एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी का आज विरोध किया गया, जिसके तहत डॉक्टरों ने गांधी चौक से साइकिल रैली निकाली और सुभाष चौक तक तख्तियां लगाकर विरोध किया। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? सरकार हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिजॉल्व करके नेशनल मेडिकल काउंसिल ला रही है। पूरे देश में आईएमए के 50 डॉक्टर्स आज 1 महीने से वो उसके विरोध में है। ये आज हमारा साइकिल मार्च है लोगों को अवेयर करने के लिए, ये जनहित में नहीं है और हमारा यह प्रयास जारी है। देश के सारे कोने कोने में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट घूम रहे हैं। वो 25 तारीख को दिल्ली में जाके खत्म होगी, 25 मार्च को वो महापंचायत पे, दिल्ली महापंचायत। हमको ये सरकार को ये बताना है कि ये गैर संवैधानिक है और ये लागू हम नहीं होने देंगे।